अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास पेपर है, छुट्टी भी नहीं है। पेपर में करना क्या है, हमने क्या छोड़ना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर आपने ये चीज़ें तैयार कर ली जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो 100% आप लोग 40-45 प्लस नंबर ले लोगे जस्ट ये 3-4 घंटे पढ़ के। लेकिन आपको ये चीज़ें फॉलो करना होगी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने ये कर लेंगे तो आप लोग 100% जो है वो अच्छे नंबर से पास होके जो है वो भाई 40-45 प्लस नंबर ले लोगे। तो ये बुक है फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास की, और कुछ बच्चे आज ये बुक लेके आएंगे और कुछ बच्चे जो है वो बैग से निकाल लेंगे भाई। सो खैर जो भी सिस्टम है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। पहली चीज़ जो आप लोगों ने इस बुक की तैयार करनी है, डैट्स वन MCQ, ठीक है। MCQs आपने तैयार करने हैं, 10 नंबर के MCQs हैं। चैप्टरों के लास्ट पर भी जो है वो थोड़े थोड़े MCQs वगैरह जो है वो उन्होंने दे रखे हैं। कुछ चैप्टर्स में सारे चैप्टर्स के लास्ट पे MCQs जो हैं वो नहीं दिए हुए, ठीक है। मोस्टली MCQs जो हैं वो चैप्टरों के अंदर से आ रहे हैं, आयतों से पूछ लेता है, हदीसों से पूछ लेता है। अब अभी हम कहाँ से तैयार करें, तो आपके लिए MCQs की वीडियो अपलोड हो गई होगी या आपने देख ली होगी। MCQs बकायदा मैंने अपलोड कर दिए हैं उस वीडियो में, और बकायदा वही MCQs आपके साथ शेयर किए हैं जो कि पेपर में आने वाले हैं। सो आप उस MCQs की वीडियो को देख लेना है, उस वीडियो को जस्ट सुन लें, आपके इंशाल्लाह ताला जो है वो पेपर तैयार हो जाएंगे, MCQs वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास MCQs हैं तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप लोग चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। और हाँ भी, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करना तो जितने भी अभी देख रहे हैं बच्चे, वे वीडियो को लाइक लाजमी कर देना ताकि वीडियो जो है वो बाकी स्टूडेंट्स तक जल्दी पहुँच जाए। सो ये बुक ओपन कर लेनी है आपने। अब जो जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ ना, आपने उनको या तो टिक करते जाना या तो उन पर निशान लगाते जाना। पहला चैप्टर है जी, पेज नंबर 1 पे है, अकीदे लफ्ज़ अकीदा से क्या मुराद है, ये आपने करना है। अकीदा से के हवाले से जो है वो आप लोगों ने एक आयत याद करनी है। इसके अलावा इस्लाम के बुनियादी कायदे कौन से हैं, कितने हैं, ये याद करने हैं। इस्लाम के बुनियादी कायदे हैं तौहीद, रसालत, मलाइका, आसमानी किताबें और आखिरत पर ईमान लाना, ठीक है। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, ठीक है, ये आपने याद करना है। उसके बाद इस्लाम में अकीदा तौहीद से क्या मुराद है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। और बाकी आप लोग चाहें तो सारा कुछ छोड़ते जाए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने अच्छे से याद करने हैं। बस पेज नंबर 2 पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीज़ें लिखी हैं। ज़ातो सफ़ाते बारी ताला, ये आपने तैयार करने हैं, ठीक है। शिर्क क्या है, डेफिनेशन करनी है। शिर्क की इकसाम लॉन्ग सवाल के लिए करना है। ये देखिए शिर्क का बहुत बड़ा जो है वो उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है, आपने सारा नहीं तैयार करना। शिर्क की तरीफ याद करो, शिर्क की आपने जो है वो एक आयत याद कर लेनी, एक हदीस याद कर लेनी, शिर्क की किस्मों के नाम याद कर लेने, शिर्क होता कितनी किस्म का है, 3 किस्म का शिर्क है या जो भी सिस्टम है, ठीक है, आपने देख लेना है। देन इसके अलावा आपने उनकी जो टाइप्स हैं वो आपने तकरीबन 4-4 लाइनों की वो याद कर लेनी, आपके लॉन्ग शॉर्ट इसमें से हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद रसालत पे आना है आपने, रसालत के लफ्ज़ी मानी क्या है ये आपने तैयार करना है। पेज नंबर 7 पे आना है, ठीक है, बुक निकालें और साथ साथ इनको टिक करें, निशान लगाएं, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने अम्बिया कराम की क्या खसूसियात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अम्बिया कराम की खसूसियात पर नोट लिखें, अम्बिया और रसूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, नबी और रसूल में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये आपने इतनी क्वेश्चन तैयार करने हैं यहाँ से। अब आप लोग अगर पढ़ते हैं कहीं पे अकेडमी वगैरह या आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपने निशान लगाए होंगे। ये देखिए अभी बुक पे बहुत ज़्यादा डाटा लिखा पड़ा है, आपने सारा सारा नहीं लिखना, आपने सिर्फ कुछ पोर्शन जो है इसका लिखना होता है, ना ही सारा अभी याद रहेगा, ना ही सारा कल तक आप लोग प्रिपेयर कर सको। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है तो भाई आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम बुक खोल रहे हैं, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, सो भाई उनके लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ताकि वो लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ठीक है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको टिक करते जाओ, उनको याद करना है आपने, ठीक है, और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखें। उसके बाद पेज नंबर आपने 13 पे आ जाना, मलाइका से क्या मुराद है, आसमानी किताबें कितनी हैं और किन किन नबियों और रसूलों पर, सॉरी रसूलों पर नाजिल हुई हैं, ये आपने करना है। तौरात, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद। इसके अलावा आपने कुरान मजीद की कुछ खसूसियात आपने बयान करनी है, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे 7 बताई हैं, आपने कोई सी 4-5 कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो चले जाना है इस्लाम की आखिरत की अहमियत, पेज नंबर 17 पे चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने मश्की सवालात पे आना है, मश्की सवालात आपने, अगर आपके पास कोई मॉडल पेपर या कोई
क्वेश्चन पेपर वाला पोर्शन है, तो आपने वहाँ से ये सिस्टम जो है वो तैयार कर लेने, मशक्की सवाल कोशिश करें तैयार कर लें, जो मैंने बताए हैं वो भी आधे सवाल इसमें से कवर अप आपके हो जाएंगे, ठीक है। लोगों को शोर सारे मैंने आपको बता दिए, फिर भी इंशाल्लाह आपको साथ जो है वो गेस्ट पेपर इसका शेयर हो जाएगा, आपको गेस्ट पेपर तैयार कर जाएगा, बेशक पेपर दे के आके चेक कर लेना आपका पेपर, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से होगा। बाब दो में जी इस्लामी तशख्स है जी, अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं ये आपने बताना है, कलमे शहादत के हवाले से आपने करना है, ये याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नमाज के फवाइद याद करने हैं, तकरीबन 8 हैं, ये सारा कुछ अपने पास लिखने वाला है भाई, हम मुसलमान हैं हम लोग लिख लेंगे, लेकिन एकदम रीड करने पेज नंबर 22 पे आइए, ठीक है। तकवा से क्या मुराद है ये आपने तैयार करना है, ठीक है। इस्लामियत का पेपर है, परेशान नहीं होना, ईजी रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक की तरफ से भी गैबी मदद होती है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। हर साल बच्चे पास होते हैं, आप लोग भी पास हो जाओगे, अपने आप को मोटिवेट रखें थोड़ा इंशाल्लाह। रोज़े के इजमताई फ़वाद आपने तैयार करने हैं, पेज नंबर 24 पे है, ठीक है। ज़कात की तरीफ करनी है आपने, ज़कात कितनी चीज़ पर कितनी कितनी होती है, सोने पे, चांदी पे, पैसों पे, ठीक है, गंदम पे, ठीक है, फसल पे कितनी होती है, ये आपने तैयार करना है। ज़कात के फ़वाद आपने तैयार करने हैं, ज़कात के मसारफ़ कितने हैं, ठीक है, वो आपने तैयार करने हैं, ठीक है। मसारफ़ ज़कात जो 8 हैं ये आपने तैयार करना है। ज़कात का नसाब कितना होता है, सोना चांदी रुपये का, ये पेज नंबर 27 पे है, ठीक है। ये आपने तैयार करना है। हज आपने तैयार करना है जी, ठीक है। हज के अंदर से आपने तैयार जो जो चीज़ें करनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। हज मकबूल, हज के फवाइद ये आपने तैयार करने हैं यहाँ से, कि अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही रखें। देन उसके बाद जो आपने नेक्स्ट पोर्शन यहाँ से तैयार करना है इस चैप्टर में से, जहाद की तरीफ आपने तैयार करनी है, जहाद की कितनी किस्में हैं आपने उनके नाम याद करने हैं, उनकी 4-4 या 5-5 लाइनें तैयार करनी है, ठीक है। ये आपने करने हैं। हकूकुल बाद से क्या मुराद है, ये आपने करना है, जिसमें वालदैन के हकूक, औलाद के हकूक आते हैं, ठीक है। ये आपने तैयार करना है, मैंने आपको बता दिया ये यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आपने सारा नहीं तैयार करना, जस्ट आपने कोशिश करनी है जो शोर क्वेश्चन है वो आपका 4-5-6-7 लाइनों पर, 7 लाइनों पर तक चला जाए मैक्सिमम, और लोगों का क्वेश्चन है वो 2-3 पेज का चला जाए, इतना आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने माशरती जिम्मेदारियाँ इस पर आ जाना जी, हमसायों के हकूक क्या है ये आपने तैयार करने, ये खुद लिखने वाले होते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना, नंबर आपके डन है जी इसमें से, ठीक है। माशरती बढ़ाइयाँ, माशरती सॉरी जिम्मेदारियाँ, ठीक है। अफाई अहद से क्या मुराद है, अदलानसाफ ये आपने करना है। कस्बे हलाल से क्या मुराद है ये, ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद आप लोगों ने करना है जी, कोई कानून की खिलाफ वर्जी क्यों करता है, एहतराम कानून में से, ये आपने करना है। उसके बाद आप लोगों ने बे आ जाना है जी पेज नंबर 45 पे, गीबत से क्या मुराद है ये आपने करना है। नाफकत क्या होती है, कब्र की तरीफ, हसद की तरीफ, ठीक है, ये आपने करना है। बाकी मशकी सवाल कोशिश करेंगे इनको भी लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। बाब सोम है जी, ठीक है, बाब सोम इस आप वसलम के हवाले से है जी, आप वसलम के बारे में सारा चैप्टर है, बहुत अहम चैप्टर है ये, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, इस हवाले से हदीस करनी है आपने, ठीक है। उम्र पर शफकत और रहमत के हवाले से नोट आता है जी, ठीक है। बच्चों पर रहमत के हवाले से लोगों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। इसके अलावा मसावात के हवाले से आप सल्लम ने क्या मिसाल दी थी, ठीक है, वो को काले को अरबी सॉरी काले को सफ़ेद पर, या सफ़ेद को काले पर, अरबी को अजमी पर, ठीक है, ये उनकी मिसाल आप लोग लिख सकते हैं। अब उधर गुजर के हवाले से आप सल्लम ने क्या फरमाया जी, जिक्र क्या है, कितनी किस्म का होता है, ये आपने तैयार करना है। बाब नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुरान मजीद का तारफ़ लिखें, कुरान मजीद के नाम लिखने हैं आपने, ठीक है, जो जो से नाम होते हैं अब वो आपने करने हैं, जिसमें अलकिताब, फुरकान, नूर, शफा, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। कुरान मजीद का नजूल कब और कैसे हुआ, इसमें आपने लिखना है कितने अरसे में कुरान पाक नाजल हुआ था, कितने अरसे में अब जो है इसकी तकमील पूरी हुई थी, कहाँ पे हुआ था, कौन इसकी पहली वही लेके आया था, इस हवाले से आपने चीज़ें लिखनी है। मक्की और मदनी सूरतें कितनी कितनी हैं और कहाँ कहाँ पर यह नाजल हुई हैं, ठीक है, ये आपने तैयार करनी है। उसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लम का आखिरी हज खुतबा, जिसमें आपने खुतबा हिजरत विदा दिया था, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। कुरान मजीद की हफाजत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने तैयार करना है। कुरान मजीद की तरतीब, तरतीब नजूली और तरतीब तौफीकी, सॉरी तरतीब तौफीकी है एक, और एक और तरतीब है कि आप लोगों ने ये तैयार करनी है। उसके बाद जो आपने पोर्शन तैयार करना है जी, तारफ़ हदीस वाले पे आ जाना है जी, हदीस के माने आपने तैयार करने क्या होते हैं, ठीक है, हदीस की तदवीन, हदीस के हवाले से आपने तैयार करना है। सहाय सित्ता से क्या मुराद है, सहाय सित्ता में कौन कौन से जो है वो सहाय सित्ता आते हैं, मुहल्फिन आते हैं, उनके नाम याद करने, उनकी किताबों के नाम याद करने हैं। असूल अरबा किया है, ये आपने तैयार करना है, ठीक है। और भाई आप लोगों ने यहाँ से जो है वो आयतें लास्ट पे दी हुई हैं आप लोगों के लिए, कुछ
ये मुंतखबा याद, ठीक है, इनके आपने तर्जमे याद करने हैं, ठीक है, ये शोर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तशरीह आप लोग करना चाहें तो कर लें, कई दफ़ा पूछ लेते हैं, बाज़ अवक़ात नहीं भी आते हैं। मुंतखबा अहादीस हैं पेज नंबर 72 पे, ये आपने तैयार करनी है। तो भाई ये आपका पेपर है जो कि आपके साथ शेयर हो चुका है। यकीन करें, मुझे उम्मीद है कि आपने पेपर, ये वीडियो देखी है, पेपर सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि हमारा पेपर यहीं से आएगा। और इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको आती हैं ऑलरेडी, ठीक है। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियां दे, अल्लाह करे तमाम बच्चे जो कि इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, डियर स्टूडेंट्स चैनल के साथ, तो भाई वो बच्चे बहुत अच्छे से पास हो जाएँ। दिल से दुआएं होती हैं आपके लिए, सो बेस्ट विशेज़ फॉर यू। और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई वीडियो शीडियो को लाइक शाइक कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाती है और वीडियोस जो है बाकी स्टूडेंट्स तक भी जल्दी पहुंच जाती हैं। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका बकायदा जो है वो एमसीक्यूज़ की वीडियो और बकायदा इसका गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।